अब हम मैनेजमेंट और टेक्निकल क्लाज़स को एक के बाद एक रिव्यू करेंगे बाज़ प्रेजेंटेशंस में सॉली किसी एक सिंगल पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा बाद में इसको मर्ज भी किया जाएगा 4.1 पॉइंट वन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रही है और सबसे अहम पॉइंट इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए इसका मतलब ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है एक इंडिपेंडेंट अदारा हो सकता है लीगल एंटिटी से मुराद कि उसकी अपनी कोई हैसियत होनी चाहिए यानी किसी हमने एक ऑर्गेनोग्राम इससे पहले कीमोमेट्रिक्स में भी डिस्कस किया था या क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्कस करते हुए आपको दिखाया था कि क्वालिटी एश्योरेंस लेबॉर्टरी किसी और पार्ट का हिस्सा नहीं हो सकती यानी महज अगर प्रोडक्शन हॉल के जैल में आप क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते उसकी लीगल एंटिटी ख़त्म हो जाती तो ये क्लॉज सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर रही है कि जो भी लेबॉर्टी जिसको हम बात कर रहे हैं जिसे सेवनटीन जीरो टू फाइव एक्रेडिटेशन के लिए प्रजेंट कर रहे हैं उसे एक लीगल एंटिटी के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए या कंपनी में उसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत होनी चाहिए बुनियादी तौर पर इस पॉइंट का मकसद जो दूसरा डिस्कस किया गया यहाँ पर कि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं हो अगर प्रोडक्शन हॉल में या प्रोडक्शन के जैल में क्वालिटी एश्योरेंस लैब काम कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ इंटरेस्ट जरूर आएगा इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो भी उसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत ज़रूर मौजूद होनी चाहिए इमपारशैलिटी एंड फ्रीडम फ्राम कमर्शल और फाइनेंशल प्रेशर आई सो सेवनटीन जीरो टू फाइव का तमाम सिस्टम uh, लेबॉरिटरी टेस्ट की वेलिडिटी की बात करता है बेसिकली हम ये कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट लेबॉरिटी प्रोड्यूस कर रही है या जो एनेटिकल रिजल्ट दे रही है उसमें कोई हैंकी पेंकी या पारशालिटी के या बाइसनेस के चांसेस नहीं हैं इम पारशालिटी या फ्रीडम को कायम रखने के लिए कंपनी को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होगी मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी में काम करने वाले या एक लेबॉर्टरी में काम करने वाले अफराद इसके पाबंद हों कि वो जितने ज़्यादा टेस्ट परफार्म करेंगे उन्हें उसका कमीशन दिया जाएगा तो वो क्वालिटी का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट परफार्म करने की तरफ रगबत रखेंगे हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी को फाइनेंशियल प्रेशर या कमर्शियल प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए यानी जो काम करने वाला है उनकी सैलरीज़ का ताल्लुक या उनके रीनम्रेशन का ताल्लुक इस बात से ना हो कितना ज़्यादा काम करते हैं बल्कि क्वालिटी टास्क ओबे करना फॉलो करना ये उनकी रिक्वायरमेंट है लेबॉर्टरी मस्ट हैव पॉलिसीज़ इन प्लेस टू तो मैनेज इम जजमेंट और ऑपरेशनल इंटेग्रिटी यानी आज़ादी के साथ लोग भी काम कर रहे हों उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना हो हैव मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टाफ और टेक्निकल मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजमेंट बेसिकली सफिशेंट टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टाफ यानी लोगों पर अगर लोड ज़्यादा होगा काम का तो डेफिनेटली तब भी क्वालिटी का ख्याल रखे बगैर प्रेशर की वजह से जो फिज़िकल प्रेशर है मेंटल प्रेशर है क्वालिटी का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा इसलिए सफिशिएंट टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टाफ सफिशेंट से मुराद हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ मौजूद हो जिसे ओवर स्टाफिंग कहते हैं वो भी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करती है क्योंकि जो फारग होगा वो सही काम करने वाले को भी डिस्टर्ब करेगा तो हर बंदे के पास काम का एक प्रॉपर लोड मौजूद हो और इसका ख्याल रखा जाए इस तरह टेक्निकल मैनेजमेंट बेसिकली उन क्वालिफाइड लोगों से बनती है जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो केमिकल uh, लेबॉर्टरी या माइक्रोबॉलोजी लेबॉर्टरी या मुखलिफ लेबॉर्टीज़ को टेक्निकली डील कर रहे हैं इस तरह एक फ़र्द क्वालिटी मैनेजर भी कहलाता है जो बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम को टेक केयर करने के लिए रिव्यू करने के लिए या फॉलो करवाने के लिए ज़िम्मेदार है ये क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर टेक्निकल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो सिस्टम ये दोनों बातें कह रहा है कि लेब के पास टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ भी होना चाहिए यानी टेक्निकल मैनेजर्स और टेक्निकल मैनेजमेंट भी होनी चाहिए यानी एक से ज़्यादा अफराद की ये मैनेजमेंट जो मिल के या डिस्कस करके इस बात को रिव्यू कर सके कि क्वालिटी को फॉलो किया जा रहा है